जीरो टैक्स अभियान चलाया है उत्तराखंड में? देखिए, ये हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जनपद में कहीं पर भी नशा एक ऐसी चीज़ है, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो लगातार हमारी युवा पीढ़ी को इफेक्ट कर रहा है, उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है, उनका भविष्य ख़त्म कर रहा है, उनको आदि बना देता है। और यदि बाद में वो नशा छूटवा भी लेते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से, तो भी उस बच्चे का जो मानसिक विकास है उसको बहुत बुरी तरह से वो इफेक्ट करता है। हमारी युवा पीढ़ी में, स्कूल कॉलेजेस में इसका काफ़ी लगातार व्यापक रूप से प्रयास किया जा रहा है इसके सप्लाई करने के लिए। जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, इसमें लगातार लगे रहते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार ड्रग्स के ऊपर विशेष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया था जिनसे 70 किलो गांजा बरामद हुआ। आज फिर एक गैंग पकड़ा गया जिससे 40 किलो से अधिक का गांजा बरामद हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं, और ये अभियान भी इसी की शुरुआत है, कि हम मुजफ्फरनगर से, जनपद से बिल्कुल ड्रग्स को पूर्णतः जड़ से उखाड़ के उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए ये जीरो ड्रग्स का अभियान एक आज से स्टार्ट किया गया है। इसका नाम भी जीरो ड्रग्स अभियान इसीलिए रखा गया है क्योंकि हमारा टारगेट है। ये अभियान पुलिस के अन्य अभियानों से इस तरह अलग है कि हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ जुड़े। हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों की जनसंख्या वाले जनपद मुजफ्फरनगर में अगर पब्लिक हमारे साथ जुड़ जाए, पुलिस को सूचनाएं देने लग जाए, तो इस जो पूरे वो है, इसमें जो छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों में, मोहल्लों में, दुकानों पे, खोखों पे, भांग के ठेकों पे, पान की दुकानों पे, मेडिकल स्टोर पे नशीले इंजेक्शन, इस प्रकार से अन्य प्रकार से जो छोटी छोटी क्या कहते हैं नशे की पुड़ियाँ बेच के बच्चों को इसमें नशे का आदि बनाया जा रहा है, उस पर बहुत बड़ा प्रहार हम लोग कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक हमारे साथ जुड़े। तो इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि एक नंबर हमने डेडिकेटेड रूप से इस अभियान के तहत अलग से डेडिकेट किया है, जिसको आज हम व्यापक प्रचार प्रसार करा रहे हैं, जो कि है 9690112112 9690112112 9690112112 9690112112 ये नंबर मुजफ्फरनगर पुलिस के कंट्रोल रूम में हमारे पास रहेगा। इस पे केवल और केवल जो ड्रग संबंधित सूचनाएं हैं वो पब्लिक का कोई भी आदमी शेयर कर सकता है। किसी भी पब्लिक के आदमी की कोई आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसका नंबर, उसकी डिटेल ना हम सेव करेंगे, ना हम उनसे दोबारा पूछेंगे, ना कहीं भी उनसे कोई कंप्लेंट मांगी जाएगी, ना उनकी तरफ से कोई FIR की बात आएगी। बेसिकली आप गोपनीय रूप से सूचना दीजिए, उसके बाद सूचना देने के बाद आपका काम ख़त्म, आपसे कोई पूछताछ उसके आगे नहीं की जाएगी। जो कार्रवाई है उसके बाद सारी मुजफ्फरनगर पुलिस स्वयं करेगी। और मैं मुजफ्फरनगर जनपद के सभी नागरिकों से, सभी जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि इस नंबर से जुड़े। जितनी भी सूचनाएं हैं आपके गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, घर के बाहर, कहीं भी गांव में आपको कहीं भी दिखाई देती है, इस नंबर पे वो सूचना शेयर करना शुरू करिए। जितनी सूचनाएं हम लोग शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी हम इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। यदि आपके घरों के आसपास, स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी भी शैक्षिक संस्थान में, यदि आप स्वयं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके दोस्तों को इसकी नशे की लत लग गई है, तो आप प्लीज़ शेयर करिए। हमारा उद्देश्य स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को जेल भेजना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये जानना है कि कौन अपराधी हैं जो इनको इस तरह का आदि बना रहे हैं। तो यदि आपके घर में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप फैकल्टी हैं, आप पढ़ा रहे हैं, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे आदि हैं, तो उन बच्चों से ज़रूर बात करें, उनसे पूछें कि ये आपको ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है, और हमें सिर्फ वो सूचना दे दें कि वो सप्लाई कौन कर रहा है। खासकर स्कूल कॉलेजेस की जो फैकल्टी है, उनका जो प्रबंधन है, जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो ऐसे आपके बच्चे हैं जिनके दोस्त इस तरह के आदि हो गए हैं, मेरी उनसे विशेष अपील है कि इस अभियान से जुड़े। पब्लिक जितना इस अभियान से जुड़ेगी उतनी जल्दी हम इस तरह के जो सामाजिक बीमारी है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकेंगे। थैंक यू।